तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आपका होस्ट हमजा एक न्यू वीडियो के साथ। अच्छा, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग टाइम पास कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। दरअसल मैं ये चीज़ सोच रहा था कि पिछले 2-3 महीनों के प्राइस एक्शन टेक्निकल चार्ट को समझाते समझाते सर आप लोगों की समझ से बाहर है, और लास्ट उन लोगों को और है जो लोग कर रहे हैं। मैंने अपने VIP ग्रुप में 4 से 5 लोगों को मेंशन किया था, उनको ये बताया था कि आप लोगों को जो मैंने चीज़ें सिखाई थी 100 में से आप लोग 100% दे चुके हो। अब मैं फिर से, ठीक है, वो लोग 100 में से 5 लोग हैं। अब मैं बाकी के 95 लोगों को जिनको बार बार मैं सिखा रहा हूँ, बार बार सिखा रहा हूँ, नहीं सीख रहे, तो जो 4-5 लोग सीख रहे हैं उनका लॉस तो नहीं कर सकता ना एटलीस्ट। तो चलता हूँ मैं टॉपिक की तरफ। मैंने आपको सबसे मेन चीज़ जो अभी आपने जिस स्टेप को करना है वो ये है कि आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले जी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आगे मार्केट की क्या सिचुएशन होने वाली है, मार्केट किस तरह से चलने वाली है, ताकि आप जो भी ट्रेड ओपन करो शॉर्ट की या लॉन्ग की वो आपके माइंड में हो कि मार्केट लॉन्ग होने वाली है तो हम लॉन्ग की ट्रेड देखेंगे, शॉर्ट होने वाली है तो शॉर्ट की ट्रेड देखेंगे। अभी मार्केट के ऊपर हम बात भी कर लेते हैं कि अगले दिनों में क्या सिचुएशन होती है। हम अपना 100% याद रखिएगा कभी भी नहीं दे सकते। हाँ, एनालिसिस निकाल सकते हैं, और एक टूल से नहीं 100 टूल यूज करके, 100 of 2 यूज करके हम अपने एनालिसिस को अच्छा कर सकते हैं। 100% नहीं कर सकते, बट 95-96% कर सकते हैं। ठीक हो गया, टॉपिक की तरफ चलता हूँ जी। लिक्विडिटी और लिक्विडिटी लेवल क्या है, इनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। लिक्विडेशन का आप लोगों को सब को पता है कि फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन है वो आपने उठाया 70,000 पे, आपके मार्जिन के हिसाब से लिक्विडेशन 66,000 बनती है, तो 66,000 जो है वो आपका लिक्विडेशन लेवल है। ठीक हो गया, ये बात समझ गए हो। 66,000 जो है वो आपका लिक्विडेशन लेवल है, 66,000 पे जाता है तो आपके जो फंड है वो जीरो हो जाएंगे। यही बात है, या फिर स्टॉप लॉस को कर लो। अभी जो हम बात करेंगे उसमें लिक्विडेशन भी इंक्लूड होगी और स्टॉप लॉस भी इंक्लूड होगा। ठीक है, चलते टॉपिक की तरफ। बिटकॉइन के एनालिसिस निकाल लेते हैं और लिक्विडेशन, ये सारी चीज़ें जी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इनके ऊपर काम कैसे करना है। सबसे पहले जी चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। ये चार्ट ओपन हो गया मेरा, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर है। ठीक हो गया, ये हमारा चार्ट। तो जी देखें, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट ना, ठीक हो गया, मार्केट में चंद लोगों को, चंद एक्सपर्ट्स को, चंद ग्रुप को वेल का नाम दिया हुआ है। ठीक हो गया, हम उन लोगों को कहते हैं वेल। अब उनकी स्ट्रेटेजी, चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन ये चीजें नहीं होती, वो सिर्फ लिक्विडिटी देखते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि मार्केट में पैसा लगा हुआ है। ठीक हो गया, मार्केट में पैसा लगा हुआ है भाइयों, कहां पे जाके बंदों की, लोगों की लिक्विडेशन ज्यादा बनती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे समझाते तो मार्केट की सिचुएशन यहां पे है, तो वो लोग जाएंगे देखेंगे सर कि मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बन रही है, यहाँ पे हाई लिक्विडिटी वाला एरिया है, तो वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि बाय लॉन्ग करेंगे, वो भी बड़ी पेमेंट्स के साथ। इसमें बाइनेंस वाले ब्रोकर भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें बिटकिट वाले भी हो सकते हैं, इसमें वो लोग भी हो सकते हैं जिनके 100 मिलियन डॉलर वॉलेट में पड़े हुए होते हैं और वो कॉइन को शॉर्ट या लॉन्ग करते हैं। ठीक हो गया, तो वो सबसे ज्यादा पहले क्या देखते हैं जी, जाके आप लोगों का लिक्विडिटी वाला एरिया। हम यहाँ पे देखते हैं कि सर बिटकॉइन यहाँ से उठा है, यहाँ पे गया है। ठीक हो गया, अब यहाँ से ये क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट की क्या कर देंगे, एंट्रियां ले लेंगे। ठीक हो गया, और शॉर्ट की हमने एंट्री ले ली सर, नीचे की तरफ हमें प्रॉफिट आ रहा है, ऊपर की तरफ हमें क्या आ रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है या फिर लिक्विडेशन आ रही है। तो वो जो आगे जो लोग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर लेके बैठे हुए हैं, जो आप लोगों को लिक्विडेट करवा के आपकी पेमेंट अपने वॉलेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो इस एरिया को देखेंगे। वो कहेंगे सर वो प्राइस एक्शन यूज करते हैं, सर वो कैंडल स्टिक यूज करते हैं, सर वो जो भी यूज करते हैं, बट हमें ये वाली चीज चाहिए। ठीक है, यहां पे जाएगी तो हम लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर खाएंगे, हमें प्रॉफिट होगा। तो वो देखते हैं यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे होगी, अपनी मिलियंस ऑफ डॉलर पेमेंट उठाई, ये उठाया, वो उठाया, ठीक है, वॉल्यूम क्रिएट किया और यहाँ पे लेके जाते हैं। और ये मार्केट का रूल है, जहां पे लिक्विडिटी मैक्सिमम होती है, लोगों के पैसे लॉस हो रहे होते हैं, उसी तरफ मार्केट जा रही होती है। ठीक है, अब लिक्विडिटी वाले एरिया को हम कैसे देखें, किस चीज के ऊपर देखें, वो मैं आपको सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म बता देता हूं। प्लेटफॉर्म का नाम है जी कॉइन ग्लास। ठीक हो गया, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं मैं उसी के ऊपर करूंगा, बाकी कॉइन ग्लास आप वीडियोस यूट्यूब से देख लिया करें, इतना टाइम एक्चुअली नहीं होता कि ये एक एक चीज इसके ऊपर। ये लॉन्ग शॉर्ट आपको ये चीजें मिल जाती हैं, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। ठीक हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर के ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, 15 मिनट 4 आवर के ऊपर कितने लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं बाइनेंस बिटकॉइन के अंदर। ठीक हो गया, और कितने लोग इसमें से पैसा निकाल रहे हैं, कितनी शॉर्ट पोजीशन लगी हुई है और कितनी लॉन्ग पोजीशन लगी हुई है। चलिए इस चीज को छोड़े, टॉपिक के ऊपर चलता हूँ। ये लिक्विडेशन लिखा हुआ आ रहा है, टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आपने ये लिक्विडेशन हीट मैप,
ठीक हो गया, मॉडल टू नहीं, ये सिंपल वाला, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। आप चूंकि फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो और शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो, तो आप कोशिश करें मिनिमम यहाँ पे जो हमें टाइम फ्रेम मिलता है वो 12 आवर का मिलता है और 1 डे का मिलता है, आपने 24 आवर यानी 1 डे के ऊपर ही रखना है इसको। ठीक हो गया, थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, ठीक है, यह आ गया हम अपने चार्ट के ऊपर, लिक्विडेशन चार्ट के ऊपर। अब मैं इसको समझाता हूँ, इसको देखना कैसे, ये वाला जो आपको स्केल नजर आ रहा है ना, ठीक हो गया, ये देखिए जी पर्पल सा है कुछ, ये डार्क ग्रीन है, ठीक हो गया, और ये येलो, ठीक हो गया, ये जो पर्पल है ये सेव है, ठीक हो गया, ये जो आपका डार्क ग्रीन आ जाता है यहाँ पे भी लिक्विडेशन और स्टॉप लॉस लोगों के लगे हुए, और ये जो आपका येलो हो गया यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस और लिक्विडेशन आपको देखने को मिल सकती है। अब इसको मैं चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, ये देखो ये वाला जो एरिया है ये पर्पल है, यहाँ पे नीचे लिक्विडेशन लेवरेज आपको नजर आ रहा है, ठीक है, 0 है, यानी ये वाला जो एरिया है ये सेव है, ठीक हो गया, यहाँ पे नीचे चले जाओ, ये वाला एरिया सेव है, ठीक है, ये देखो डार्क ग्रीन आ गया, यहाँ पे लोगों की लिक्विडेशन जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन लगाई, सॉरी लॉन्ग की पोजीशन लगाई हुई है, तो उन लोगों की यहाँ पे लिक्विडेशन बन रही है 17 मिलियन। थोड़ा सा और नीचे चले जाए, यहाँ पे प्राइस 68,900 के ऊपर लिक्विडेशन बन रही है 23 मिलियन। अब ऊपर चले जाए तो 71,000 के ऊपर हमें 26 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन या फिर स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है, इसमें लिक्विडेशन भी इंक्लूड है, स्टॉप लॉस भी इंक्लूड है। थोड़ा सा ऊपर चले जाए 32 मिलियन, ठीक हो गया, थोड़ा सा और ऊपर चले जाए 21 मिलियन, ठीक है, यहाँ पे हम 71,500 पे जाते हैं तो सर हमें लिक्विडेशन 36 मिलियन की देखने को मिल रही है, यहाँ पे लिक्विडेशन 36 मिलियन डॉलर की, यहाँ पे लिक्विडेशन 50 मिलियन डॉलर की हमें देखने को मिल रही है। तो सर आप खुद एनालाइज करें कि जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं जो आपकी पेमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, जो जितने भी बिगिनर्स हैं या हम जैसे छोटे मोटे जो ट्रेडर्स हैं उनकी पेमेंट खाने के लिए बैठे हुए, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग खुद बताओ, माइंड में देखो, वो इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि सर मार्केट यहां पे जाए, ठीक है, वो इस चीज की कोशिश नहीं करेंगे, इस चीज के लिए ट्राई नहीं करेंगे कि हम 11 मिलियन डॉलर क्लेम करें, वो इस चीज की कोशिश करेंगे सर इसको ऊपर लेके जाए, 32 मिलियन पहले ग्रैब करते हैं, फिर से हमें इसको 71 मिलियन डॉलर, सॉरी 9 मिलियन डॉलर हमें देखने को मिल रहा है, 36 मिलियन डॉलर यहाँ पे देखें जी आप लोगों को, 50 मिलियन, 7 मिलियन, तो लिक्विडिटी इस वक्त जो ज्यादा हमारी बन रही है वो 71,000, 72,000, 72,500 एंड 73,000, 72,500, यहां तक हमें हाई लिक्विडिटी, यहाँ पे लोगों के लिक्विडेशन और स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने बिटकॉइन को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक हो गया। तो जो लोग मार्केट में से मिलियन ऑफ डॉलर्स निकालने वाले हैं तो वो इस चीज को देखेंगे सर यहाँ पे हाई लिक्विडिटी है, यहाँ से हम अच्छा पैसा निकाल सकते हैं, ट्राई करो, एक मीटिंग करते हैं, नेगोशिएट करते हैं एक दूसरे के साथ, मार्केट को ऊपर उठाते हैं, तो ये एक बड़े चांसेस बनते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक हो गया। ये चेक करने के बाद आप लोगों ने सीधा चार्ट के ऊपर आ जाना है, 4 आवर के ऊपर ज्यादा कोशिश करें उसके ऊपर वो करें, देखिए जी ये वाला जो एरिया 73,000 है, ठीक हो गया, आपका 72,000 ये मैंने मार्क किया हुआ है, इस एरिया के अंदर हाई लिक्विडिटी बन रही है। मैं ये तकरीबन बना रहा था एक दिन पहले, तो आई थिंक उस वक्त मैंने लिक्विडिटी चेक की थी, वो 70,000 के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी थी, आई थिंक कोई 30 मिलियन या 25 मिलियन डॉलर की, तो मार्केट कहां से देखो वापस आई है 71,000 से कम भी जो लिक्विडिटी बनती है वो 40-50 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी बनती है, तो इस एरिया के अंदर कम से कम भी 100 मिलियन की लिक्विडिटी बनती है। तो लोग जितने भी वेल्स वाले बैठे हुए वो कोशिश करें कि 110% अपना देने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट में जब ग्रीड एक्सट्रीम लेवल पे चली जाए तब ये इतनी ज्यादा लिक्विडिटी बनती है, तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देते। तो यहां पे हमारे पास बड़े चांसेस निकल के आते हैं कि बिटकॉइन 72,000 मिनिमम, 72,000 या 73,000 तक जा सकते हैं, ठीक हो गया। हमने ये एनालाइज कर लिया, लिक्विडिटी का पता चल गया आप लोगों को कि लिक्विडिटी को कैसे एनालाइज करना है। अब जब आप लिक्विडिटी के ऊपर आपका 100% आ जाएगा मेरे भाइयों, तो आप लोगों का समझ लो अपने नॉलेज के अंदर मजीद 10% उसको एक्सटेंड किया अपने नॉलेज को, ठीक हो गया। तो लिक्विडिटी वाले एरिया और जहां पे हाई लिक्विडिटी है, जहां पे लो लिक्विडिटी है, उसको देखते हुए एक्सपर्ट्स के माइंड को जब आप पढ़ोगे, इन्वेस्टर्स के माइंड को जब आप पढ़ोगे कि वो अपने 100 मिलियन डॉलर ऊपर लगाएंगे या नीचे लगाएंगे, तो उनकी स्ट्रेटेजी के ऊपर चलोगे सर तो लॉस नहीं हो सकता। आई बात समझ में? अब जितने भी वकार जका जैसे ट्रेडर बैठे हुए हैं, ठीक हो गया, वो सबसे पहले जाके देखे कि सर लिक्विडिटी यहाँ पे बन रही है, वो न्यूज वो स्टेटमेंट वकार जका के तो है लिंक है ना, वो बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े ट्रेडर्स एक्सपर्ट जितने भी हैं उनसे बातें करता है कि सर अगला मूव आप क्या करने का सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखेगा कि हाँ सर यहाँ पे हाई लिक्विडिटी है, जितने भी वेल्स वाले वो बैठे हुए हैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करने के लिए, तो वकार जका भी कहेगा कि लॉन्ग हो सकता है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इन चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी के ऊपर नजर रखें, बहुत सिंपल सी चीज आपको
बताइए ठीक हो गया, बहुत शॉर्ट तरीके से आप लोगों को, हालांकि आप लोग जाओ यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखो, बता रहे होते हैं ये इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से बता, तो मैंने सिंपल एक ये चीज बताई है, एक ये चीज बताई है, एक ये चीज बताई है, ठीक है। तो सिंपल ये आपका मैंने बता दिया, अभी आप लोग जाओ 4 आवर के ऊपर भी चार्ट बनाओ, ठीक हो गया, 15 मिनट के ऊपर भी बनाओ, 1 डे के ऊपर भी बनाओ। इस बार लिक्विडिटी देखो, मैक्सिमम लोगों ने बिटकॉइन जैसे वकार ज़का ने शॉर्ट ओपन करवाया है, 100% लोगों ने शॉर्ट ओपन किया हुआ है, तो लिक्विडिटी हमें मैक्सिमम 72,000 लोन पे देखने को मिल रही है। तो जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं उनका ये मूव हो सकता है कि वो बाई लॉन्ग चीजों को उठाएं, उनमें अच्छी पेमेंटें लगाएं, वॉल्यूम इंक्रीज करें और लिक्विडेट करवाएं। वो हाली वो लोग नहीं कर रहे होते, बल्कि मार्केट भी इस कोशिश में होती है कि हम ये काम करें, ठीक हो गया। तो ये चीज मैंने आपके सामने रख दी है, अभी कॉइन ग्लास के ऊपर जाएं, ये ओपन करें, थोड़ी सी और वीडियोस आप YouTube से भी देख लेते हैं अगर आपको समझ ना आए, ठीक है, YouTube के ऊपर सर्च करो, आ जाएंगी, वहां से देख लें और इसको मस्त रखें। ये बस वही 3-4 लोगों के लिए असर, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनकी अपनी मर्जी। वीडियो वगैरह को पूरा देखा करें, ठीक हो गया, कोशिश करें जितना हो सके उतने सीखने की कोशिश करें। देखो दूसरों की एफर्ट पे, हमेशा कहता हूँ कोई भी इंसान पैसे नहीं कमा सकता, ये बात याद रखना, ठीक हो गया। दूसरों की एफर्ट के ऊपर रहोगे तो अपना इलाज करोगे, तो जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करो। ख्याल रखें जी सारे, अपना अल्लाह हाफिज़।